इट्स व्हाट्स अप, आई एम सक्सेस की एंड आज मैं आ चुका हूँ वीडियो के साथ। वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा कि हाउ टू बी मोर फोटोजेनिक, 5 टिप्स। तो मैं तुम्हें 5 टिप्स से ये बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसा करना है, ना कि लाइक तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कैसे शो करना है, ना कि ये बताने वाला है कि तुम्हें कौन सा कैमरा लेना है और कैसे कैसे एंगल्स होने चाहिए। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फोटो है, दैट्स इट। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है आज मेरा, क्योंकि सफाई चल रही है। हाँ, सफाई चल रही है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी अच्छी होने वाली है। अगर तुम मेरे क्वेश्चन पूछते हो तो प्लीज़ पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम और मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं बताऊंगा तुम्हें कैसी कैसी वीडियोज़ बना, लाइक मुझे बोलो कि तुम्हें कैसी वीडियो बनानी है तो बताता हूँ कैसी, लेकिन कैसे वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट। बाकी मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ यार, शिट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर तुम उन टिप्स में से कुछ अप्लाई करते हो अपने ऊपर और तुम्हें फर्क दिखेगा, आई बेट, दैट्स इट। तो करते स्टार्ट। टिप नंबर 1, जितने लोग मेरे जितने हैं, लाइक मैं 5'8" का हूँ, 5'8" 5'7.5" बस, बट मेरी छोटे हाइट थोड़ी सी बाकी लड़कों के मुकाबले, जो लंबे लंबे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो तुम्हें करने का होता है बेसिकली, तुम्हें सीधा खड़ा होता है, लाइक सीधे खड़े रहो। ओके, कोई फोटो लोगे तो ऐसे नहीं डल खड़े हो, मरे मरे खड़े हो, नहीं, सीधे खड़े हो, स्ट्रेट, लाइक कॉन्फिडेंट, अपना कंफर्ट ढूंढो बट सीधे खड़े रहो, अपने शोल्डर स्ट्रेट करो और ट्राई टू वॉच कि हाँ, मैं तुम फोटो खींच रहे हो तो कैमरे के अंदर देखो सीधा सीधा, इससे अच्छी फोटो आती है और काफ़ी यूनिक लगती है। अगर तुम सीधे खड़े हो तो कुछ भी कर रहे हो, तुम अगर कोई प्रोडक्ट की फोटो ले रहे हो, उसके हाथ फोटो ले रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी हैंड कपड़े हैंडल कर रहे हो, तो जस्ट स्टैंड स्ट्रेट लाइक दिस। टिप नंबर टू, भाई मेरी जॉ लाइन नहीं है, डबल चिन है, फोटो बहुत ही ऐसी आती है और फोटो में मज़ा नहीं आता। तो भाई सी, जब भी फोटो लेना तो इसके भी मेरा फेस ऐसे है, ठीक है, तो प्लीज़ अपना फेस ना ऐसे करो, लाइक थोड़ा सा अपर, लाइक थोड़ा ऊपर करो, ऊपर है आगे की तरफ, लाइक सी ऐसे करके, ठीक है, लाइक ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे करके, तो इससे ना फोटो जिससे जो तुम्हारा डबल चिन है वो शो नहीं होता और फोटो तुम्हारा फेस थोड़ा सा लगता है कि हाँ पूरा एक वी शेप में है, ठीक है। ट्राई करना है जब खड़े हो, जब भी फोटो ले रहे हो तो ऐसे करने की बजाय, ऐसे करना, लाइक थोड़ा बाहर फेस निकाल के थोड़ा ऑपोजिट रहो, ऐसे देखो, ठीक है, ट्राई करना, बहुत यूनिक फोटो आती है, बहुत अच्छी फोटो आती है, मज़ा भी आता है फोटो देखने में बहुत ज़्यादा। हाँ, टिप नंबर थ्री ये है कि भाई सी, सबका अलग अलग फेस होता है, सबके अलग अलग फेस का लाइक जिसे बोलते हैं जिक्चर होता है। तो तुम्हें करना क्या है, जस्ट फाइंड योर बेस्ट ग्रूमिंग हेयर, लाइक ग्रूमिंग स्टाइल की, हाँ भाई तुम्हें बाल कैसे रखने हैं, तुम्हें बियर्ड रखनी है नहीं रखनी। और एक और चीज़, अगर तुम जैसे फोटो क्लिक करते हो तो बेसिकली मैं स्पेक्स ही हूँ, मैं स्पेक्स नहीं पहन रहा अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं वीडियो में अलग लग रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेक्स नहीं पहन रहा। तो ये है कि ट्राई टू बी यूनिक, अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा यूनिक बनने की कोशिश करो, लाइक जैसे कि अगर तुम स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स मत पहनो अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, कि मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ में, अगर तुम कंफर्टेबल होते हो तो स्पेक्स मत पहनो। और क्या, अगर तुम जैसे कि तुम्हारे बाल मैसी मैसी है तो ट्राई उनको सेट करने की, या अगर तुम्हारे बाल बहुत सेट रहते हैं, जैसे कि बहुत ही तुम बहुत सेट रखते हो बालों को, बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्लासी रखते हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा मैसी करने की कोशिश करो, लाइक थोड़ा चेंज करो, खुद भी चेंज करो यार थोड़ा कुछ, तो काफ़ी अलग फोटो आती है उन चीज़ों से और तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो क्योंकि तुम्हारा लुक रियलिटी और फोटो में बहुत चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। या पीछे मेरा भाई था, सो डू दिस थिंग, अलग आएगी फोटो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो प्लीज़ मेरे को बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में कि हाँ तुम्हारी फोटो अलग आई नहीं आई, वो जब इंस्टाग्राम में सेंड करना, आई विल सी एंड मैं तो बताऊंगा कि तुम्हारी फोटो कैसे आई कैसी नहीं आई। या सो पॉइंट नंबर 4 इज़ प्लीज़ ट्राई करो कि तुम फोटो में थोड़े कम्फी लगो, होता ना कि हाँ भाई तुम कम्फर्टेबल हो बहुत ज़्यादा, तुम बताते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हो या फिर ऐसे नहीं करना, जोकर नहीं बनना, करना कैसे नॉर्मल रहो, स्माइल करो, जैसे अपनी बेस्ट स्माइल ढूंढो, लाइक कंफर्टेबल रहो कि हाँ भाई तुम खड़े हो ऐसे नॉर्मली खड़े रहो कि हाँ भाई चलो तुम लगे तुम कंफर्टेबल हो बट तुम कुछ कर ही नहीं रहे,
वो तो बहुत प्यारी आती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, जब बोलते ना प्रोफाइल कैचिंग, आई कैचिंग, वन प्रोफाइल एकदम ऐसे ग्लो मारती है उस फोटो से, ट्रस्ट मी, अगर तुम बहुत ही कंफर्टेबल रहते हो कुछ ना करके भी तुम कुछ कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है भाई कि तुम कुछ नहीं कर रहे बट तुम्हारी फ़ोटो बंदे पूछेंगे भाई कि कैसे हो जाता है, मतलब कैसे आती है इतनी यूनिक फ़ोटो, क्या करता है कि भाई कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल खड़ा है और फ़ोटो इतनी प्यारी प्यारी आ रही है, भाई कचक कचक फ़ोटो ले रहे हो, मज़ा आ रहा है फ़ोटो लेने में, तो कंफर्टेबल रहो लाइक दिस, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसे रहो। और या सो टिप नंबर 5, सो टिप नंबर 5 बहुत कॉमन है, जो हर एक मॉडल कहता है, हर एक फोटोजेनिक बंदा कह रहा होता है कि आप ऐसे करो वैसे करो और ये ट्राई करो वो ट्राई करो, तो मैं भी वो बोलने वाला हूँ। तो बेसिकली जो मैं कहता हूँ दूसरे को, मैसेज कोई पूछता है कि हाउ टू बी फोटोजेनिक, कोई नॉर्मल बंदा पूछता है, कोई दोस्त पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि हाँ भाई जैसे अगर तुम अपने अपने रूम में जो तुम्हारा शीशा होता है, जो तुम्हारा मिरर है, उसमें ट्राई करो, देखो अपने आप को और पोज करने की कोशिश करो खुद, कि अगर मैं स्माइल करता हूँ ऐसे करके मेरी फ़ोटो कैसी आती है, अगर अपने दिमाग फ़ोटो बना लो कि अगर सामने कैमरा है मेरे तो मेरी फ़ोटो कैसे आने वाली है, या फिर सीरियस लुक बस ट्राई करो कि तुम्हारी फ़ोटो कैसी आ रही है, तुम सोचो कि तुम्हारी फ़ोटो कैसे आएगी, समझ रहे हो, तुम्हें वो करना है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो कि हाँ भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, उससे क्या होगा जैसे कि अब मेरा सीन है कि हाँ भाई मेरे को मैं कहीं भी होता हूँ तो बंदे बोलते हैं नेक्स्ट फोटो, तो जैसे कि ऐसे हूँ मैं, तो लाइक मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है चीज़ की कि हाँ भाई स्माइल करनी कैसे है, कि ज़्यादा हो गई है तो मेरे को पता है, मैं खुद करता हूँ बल्कि प्रैक्टिस, मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस करी है बाथरूम में खड़े होकर, हाँ भाई कैसे बनना है फ़ोटो, कहीं से लानी है फ़ोटो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है चीज़ से। और ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट यार, कि तुम फोटो में कॉन्फिडेंट लग रहे हो, कि ग्लो कर रहे हो, यू नो लाइक ऐसे। सो दीज आर माई 5 टिप्स जो मेरे इंस्टाग्राम से आ रहे हैं और जो मुझे बोलते हैं कि फोटो देने कैसे बनना है, तो ये मेरे टिप्स हैं, अप्लाई करना, और अगर तुम इसमें से कोई भी एक दो अप्लाई करते हो तुम खुद देखोगे चेंज यार ऑटोमेटिकली अपनी फ़ोटोज़ में, जो तुम्हारी फ़ोटोज़ आएगी, और या अगर तुम इसको करते हो ट्राई मेरी वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ टैग मी ऑन इंस्टाग्राम और अगर मेरे को फोटो सेंड करना अपनी, मैं बताऊँगा फ़ोटो अच्छी आई है या नहीं आई, आई है फ़ोटो अच्छी आई है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जाने वाला टाइम में, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ यार कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ कैसी ना बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ धीरे धीरे, मेरे को बहुत धीरे धीरे आइडियाज़ आते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो सेल मी कि मैं मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ये उठना चाहिए, कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम वो है, प्लीज़ मुझे बताओ कुछ यार, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, स्नैपचैट का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक नहीं आता, तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, और चलते हैं वीडियो के साथ। और अगर तुम नए हो, तुमने वीडियो देखी पूरी देखी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, तुम्हें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, तुम्हें क्या ट्राई कर रहे हो क्या ट्राई नहीं कर रहे यार। और मैं आज टीवी डालने वाला हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी थोड़ी सो कॉल्ड बकचोदीज होंगी, तो प्लीज़ जाके देखना इंस्टाग्राम पे मेरे यार, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाओ मेरे, बाय बाय।